हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी ऑफ डीआरटी पार्ट सेकेंड। रेडियोथेरेपी में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बहुत सा सिंपल और बेसिक फिजिक्स का ये टॉपिक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एटम की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एटम क्या होता है। एटम दैट मीन्स, जिसे हिंदी में परमाणु कहा जाता है, कोई भी आपका एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, उसका जो सबसे छोटा दैट मीन्स आप पार्टिकल उसे कह सकते हो, या फिर उसकी जो इकाई यूनिट, ठीक है, किसी भी आप मैटर या फिर किसी भी मॉलिक्यूल या फिर किसी भी कंपाउंड की जो इकाई यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी एटम होती है और उसे एटम कहा जाता है। एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसकी स्ट्रक्चर दैट मीन्स किस तरीके का होता है, और इसमें भी और कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके बारे में भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन दैट मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हम केवल और केवल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि हमने इस वक्त पढ़ रखी है। आप लोगों को पता भी है इस चीज़ के बारे में कि ये क्या क्या होता है, बट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल मैटर इज़ कम्पोज ऑफ एटम्स, दैट मीन्स कि जितने भी मैटर, जितने भी पदार्थ हैं, सब एटम से मिलकर बने होते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो इकाई यूनिट होती है वही क्या होती है, यहाँ पे एटम होता है। The atoms are very small and its diameter is of the order of 10 की power minus 10 meter. That means कि आपका जो atom है उसकी size बहुत small होती है, बहुत छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि जो इसका व्यास है, that means diameter, वो किस range में पाया जाता है, 10 to the power of minus 10 meter, 10 की power minus 10 meter. That means diameter इसका बहुत छोटा होता है। एवरी एटम possesses ए सेंट्रल कोर कॉल्ड ए न्यूक्लियस विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहाँ पे बात की गई है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को अगर यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं तो अपन बात करते हैं कि हर एक एटम के अंदर एक सेंट्रल कोर पाया जाता है। दैट मीन्स सेंटर में एक स्टोरेज, दैट मीन्स सेंटर में एक स्पेस पाया जाता है ऐसा, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। और उस जो आपकी बात की गई है सेंट्रल कोर की, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों होता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। The diameter of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 14 meter. अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियस के डायमीटर की। अभी अपन ने बात की थी एटम के डायमीटर की, ठीक है। तो एटम का जो डायमीटर था उसकी रेंज थी, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। बट अगर अपन बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होगा वो एटम के डायमीटर से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस वजह से जो इसके डायमीटर की जो रेंज है वो कितनी है आपकी, 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स कि अभी अपन ने जो बात की थी कि जो सेंट्रल कोर था जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज तो होता है, बट उसके अंदर कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? और न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब अगर यहाँ पे इनके चार्ज की बात की जाए तो जो आपका प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दो प्रकार के पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन आपका जीरो चार्ज, दैट मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आपका जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड द न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज। दैट मीन्स कि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। द स्पेस
अराउंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट पार्टिकल कोल्ड इलेक्ट्रॉन। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टिकल की, दो पार्टिकल की अभी अपन ने बात की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, ठीक है, एटम की बात की, एटम का डायमीटर की बात की, एटम के अंदर न्यूक्लियस, दैट मीन सेंट्रल कोर होता है जैसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब अपन बात करें जो आपका सेंट्रल कोर, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक स्पेस, एक जगह में एक पार्टिकल और पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट पार्टिकल, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है वहां पे एक पार्टिकल और पाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की। द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। दैट मीन्स कि सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, या फिर अपन बात करें कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। दैट मीन्स कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व, दैट मीन्स राउंड करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होती है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इलिप्टिकल। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इलिप्टिकल शेप कैसी होती है, जो आपकी अंडे की, एग की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, इलिप्टिकल शेप होती है। दैट मीन्स प्रॉपर सर्कुलर नहीं होती है, एक तरफ से लंबी होती है, थोड़ी इसकी विड्थ कम होती है। दैट मीन्स जो एग की जो शेप होती है वो कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है। तो दैट मीन्स जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनका पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। और ऑर्बिट क्या होता है यहाँ पे, वो जो पाथ होता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे इन्होंने नंबर्स, दैट मीन्स संख्या की बात की है एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की। इन्होंने कहा है कि जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ अपने पास प्रूव होती है कि जो आपके प्रोटॉन्स की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है। दैट मीन्स प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स कि जो आपका पूरा का पूरा जो एटम होता है वो हमेशा किस, दैट मीन्स उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, कोई भी चार्ज उस पर प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। बिकॉज प्रोटॉन्स का चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। बराबर होने के कारण पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे और वो न्यूट्रल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो आपका पूरा का पूरा एटम है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। अब अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। दैट मीन्स एटम की स्ट्रक्चर, जो अपनी नॉर्मल जो स्ट्रक्चर थी कि क्या क्या होता है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब अपन बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो इन 1913, दैट मीन्स 1913 के अंदर एच जी जे मोसले, हेनरी जीवाइन जेफ्रेज मोसले, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1913 के अंदर स्टार्टेड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस विच इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। दैट मीन्स कि इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के बारे में आपको बताया था, और इसने क्या बताया था एटॉमिक नंबर के बारे में, कि जो भी आपका एटम है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अब इस बात को हम दूसरे तरीके से अगर रिलेट करें तो ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या बताएंगे, एटॉमिक नंबर को बताएंगे। बिकॉज जो आपका नॉर्मल स्टेट में या फिर जो न्यूट्रल स्टेट में जो एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, केवल न्यूट्रल एटम की, किसी एक्साइटेड या फिर आयोनाइज्ड एटम की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेंज हो सकती है। जो आपका नॉर्मल न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होती है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर, तो इस वक्त वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के भी बराबर ही होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जेड, दैट मीन्स ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन बात करते हैं मास नंबर की। ये तो एटॉमिक नंबर की बात हो गई, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। मास नंबर की अगर बात की जाए, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस की हमने बात की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर हमने दो पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, एक था आपका प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन. अगर अब मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दैट मीन्स कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को अगर ऐड करके हम बात करें यहाँ पे, तो वो जो संख्या आपको मिलेगी वो होगा मास नंबर. दैट मीन्स एटॉमिक वेट. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए. और हम मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बार दोबारा से देख लो इन चीज़ों को कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उसकी संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होती है. और अगर आपका एटम न्यूट्रल है नॉर्मल स्टेट में, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी? एटॉमिक नंबर ही होगी. और अगर मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. द मास नंबर आल्सो रेफर्स टू द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट. जैसे कि मास वेट से यहाँ पे रेफर किया जाता है. मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर, वेयर एज एटॉमिक वेट मे बी ए होल नंबर और अ फ्रैक्शन. इन्होंने दो चीज़ें बात की, एक मास नंबर की और एक एटॉमिक वेट की. ठीक है, मास नंबर को हम एटॉमिक वेट से रेफर कर सकते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उन डिफरेंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं. मास नंबर की अगर अपन ने बात की तो मास नंबर अपन ने अभी बताया है यहाँ पे कि क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, अब प्रोटॉन्स की संख्या होगी वो भी क्या होगी? होल नंबर होगी. ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी वो भी क्या होगी? होल नंबर होगी. दैट मीन्स अपने को इनकी संख्या फ्रैक्शंस में नहीं मिलनी, आधा पौन ये नहीं मिलने वाला, एक पूर्ण संख्या अपने को यहाँ पे मिलेगी. ठीक है, तो दैट मीन्स जो मास नंबर होगा वो भी क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा, एक होल नंबर होगा. बट जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है. एटॉमिक वेट आप लोगों ने एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल है उसमें देखा होगा कि जो एटॉमिक वेट होता है वो आपका होल नंबर भी होता है और कई जगह पॉइंट्स में आता है, दैट मीन्स वहाँ पे फ्रैक्शंस में आता है. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है मास नंबर और एटॉमिक वेट के अंदर. मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ होल नंबर, मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी. वेयर एज एटॉमिक वेट मे बी, और आपका जो एटॉमिक वेट है वो क्या हो सकता है? या तो पूर्ण संख्या हो सकता है या फिर एक फ्रैक्शन हो सकता है. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कहलाता है, इसलिए मास नंबर को हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये तो अपनी बात हो गई यहां पे अब एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर की. अब जैसा कि अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, अपन ने जो बात की एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप लोगों ने ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ये सब चीज़ें अपने को जो लास्ट का जो इन जो ऑब्वियसली बात है कि किसी साइंटिस्ट ने डेराइव की थी इन चीज़ों को, है ना, किसी ने आपको बताया होगा इन सब के बारे में, अपने आप तो पता नहीं चला. तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, अपन मशीन्स पढ़ते हैं, मशीन में मॉडिफिकेशन होता है, पहले इसने ये चीज़ें बताई फिर दोबारा इसने ये चीज़ें बताई, इसी तरीके से अपने यहाँ पे भी एटम के मॉडल्स आते हैं. मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर एटम के बारे में किसने खोज की, किस साइंटिस्ट ने खोज की और उसने आपको क्या बताया. ठीक है, फिर वो पता चला कि दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने दोबारा से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि पहले वाले ने तो चीज़ें आपको गलत बताई थी. ठीक है, फिर तीसरा साइंटिस्ट आया, फिर चौथा साइंटिस्ट आया, फिर पांचवा, इस तरीके से साइंटिस्ट आते गए और वो एक्सपेरिमेंट करते गए और आपको एटम्स के बारे में बताते गए. उन्होंने खोज की कि यहाँ पे प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये सब चीज़ें. लास्ट में जो आपको जो कंक्लूजन मिला था ना सारा, वो आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर. बट अब अपन बात करेंगे कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो आया था उसने आपको क्या बताया, सेकंड ने आपको क्या बताया. तो उनके साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग उनके मॉडल्स रखे जाते हैं. दैट मीन्स कि इस साइंटिस्ट ने अपने को ये चीज़ें डिस्क्राइब की थी एटम के बारे में.
तो अब उन एटम्स दैट मीन्स उन मॉडल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे. टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम मैनी मॉडल्स हैव बीन प्रपोज. दैट मीन्स कि जो एटम है उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसमें कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, ये चार्ज होता है, अनचार्ज होता है, इसकी साइज क्या होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इन सब के बारे में मैनी मॉडल्स हैव बीन प्रपोज. दैट मीन्स कि बहुत सारे मॉडल्स रखे गए और अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्हें रखा था, और फिर इनमें से दैट मीन्स कौन से गलत साबित हुए, कौन से सही साबित हुए, वो चीज़ें अभी अपन डिस्कस करेंगे. पर बात करते हैं कि मॉडल हैं कितने. चार मॉडल अपने पास में, थॉमसन एटम मॉडल, रदरफोर्ड एटम मॉडल, नील्स बोर एटम मॉडल, सोमरफेल्ड एटम मॉडल. चार प्रकार के मॉडल हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे थॉमसन एटम मॉडल के बारे में कि थॉमसन ने हमें क्या बताया था. तो अगर थॉमसन की बात की जाए तो थॉमसन ने आपको क्या बताया था कि एटम एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, एक गोलाकार है, ठोस गोलाकार, ठीक है. और वो क्या होता है कि दैट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल भरा हुआ है. थॉमसन ने जो चीज़ें बताई उसके बारे में समझना. थॉमसन ने बताया कि एटम एक सॉलिड स्फेयर है, दैट मीन्स एक गोला है, ठोस गोलाकार है, जिसके अंदर पदार्थ भरा हुआ है, और वो पदार्थ कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है. एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी है, बट वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. और वो किस तरीके से है, जिस प्रकार से एक वाटरमेलन दैट मीन्स एक तरबूज जो होता है, तरबूज के अंदर बीज होते हैं. इसको उसने तरबूज से कंपेरिजन किया था, ठीक है, तरबूज से कंपैरिजन किया तो अपन यहाँ पे मान सकते हैं. एटम की स्ट्रक्चर इसने आपको क्या बताई कि एटम एक तरबूज की तरह होता है, जिसमें जो आपका रेड कलर का जो मटेरियल है वो तो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो सीड्स हैं वो आपके क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है. तो जैसा कि अब आपको जो इस एटम की जो स्ट्रक्चर के बारे में पता है, क्या वो ऐसी है, वो ऐसी नहीं है. तो यहाँ पे अपने को साफ पता चलता है कि आपका जो थॉमसन का जो मॉडल है, एटम मॉडल है, वो एकदम से रिजेक्ट होता है. थॉमसन ने जो चीज़ें बताई उसमें से केवल अपने पास दो ही चीज़ें सही निकलती हैं. एक तो ये कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होते हैं, और दूसरा ये कि उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होते हैं. बस ये दो चीज़ें अगर अपन मान के चलें तो थॉमसन एटम मॉडल की ये सही निकली थी, बाकी सारी चीज़ें उसकी गलत निकली. थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम, थॉमसन ने प्रपोज्ड किया अपना मॉडल, वो क्या था कि एटम वाज अ सॉलिड स्फीयर. एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं. मतलब पॉजिटिवली चार्ज तो मटेरियल पाया जाता है और नेगेटिवली चार्ज्ड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड इन लाइक शीड्स इन द वाटरमेलन फ्रूट. दैट मीन्स कि जो आपका तरबूज जो फल होता है उसमें जिस तरीके से सीड्स पाए जाते हैं, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. बट लेटर दिस कंसेप्ट वाज प्रूव्ड रॉन्ग. बट बाद में क्या हुआ कि ये जो भी कंसेप्ट थॉमसन ने दिया, ये सारा का सारा क्या हुआ, गलत साबित हुआ. ये तो आपको भी पता चल रहा है कि आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ी उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इस वजह से जो थॉमसन का जो एटम मॉडल था वो यहाँ पे गलत साबित हो चुका था. दैट मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया गया था. तो अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे एटम मॉडल की, दैट मीन्स रदरफोर्ड एटम मॉडल. अब रदरफोर्ड ने क्या बताया एटम के बारे में, उसने एटम्स के बारे में आपको क्या जानकारी दी, उसके नेचर के बारे में क्या जानकारी दी, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे. अब क्या हुआ था कि रदरफोर्ड ने जब स्टडी की तो रदरफोर्ड थोड़ा थोड़ा पास में गया था. मतलब रदरफोर्ड ने कुछ कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ कुछ चीज़ें गलत भी हुई थी उसकी. उसने यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दिया था. थॉमसन ने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स कर दिया वाटरमेलन की तरह, ठीक है. बट उसने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है. स्टार्टिंग उसने बताया कि सेंटर के अंदर, ठीक है, एक छोटे से पार्ट में तो क्या होता है आपका, पॉजिटिवली होता है, और उसके चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सही जा रहा था. अब इसने क्या बताया था, द रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट द एंटायर मास ऑफ एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर कॉल्ड न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ने बताया कि आपका जो एटम है उसका जो पूरा मास होता है वो एक छोटे से और डेंस, दैट मीन्स उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और
दैट मीन्स कि एक सेंट्रल कोर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं और जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनके बारे में उसने आपको बताया था। उसने बताया कि जो एटम का जो सेंटर होता है, ठीक है, वहाँ पे उस एटम का सारा मास केंद्रित होता है, ठीक है, और वहाँ पे दैट मीन्स वो जो सेंट्रल कोर है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। अब इसने जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, दैट मीन्स जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे जब उसके बारे में बताया, तो इसने बताया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। एक चीज़ तो आपको अब यहाँ पे समझ में आ रही है कि अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि इनका पाथ कैसा होता है, दैट मीन्स ऑर्बिट कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है, बट आपको रदरफोर्ड कैसी बता रहा है, सर्कुलर बता रहा है, दैट मीन्स ये चीज़ आगे जाके रॉन्ग प्रूव होने वाली है। बट कोई बात नहीं, अभी अपन इसको पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने बताया था कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दिस मॉडल रिजेम्बलिंग द सोलर सिस्टम वॉज रेफर्ड एज प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। दैट मीन्स कि रदरफोर्ड ने अपने को एक चीज़ बता दी थी कि जो आपका सोलर सिस्टम है उसको आप एक मॉडल की तरह रख सकते हो, दैट मीन्स प्लेनेटरी जो आपका मॉडल है वो आप एटम के मॉडल की तरह मान सकते हो। दैट मीन्स उसने सारी चीज़ें सोलर सिस्टम से कंपेयर कर दी थी, दैट मीन्स उससे कंपेयर करें तो अपने को पता चलता है कि जो आपका सन था वो तो एज ए न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो प्लेनेट्स मूव कर रहे हैं वो एज ए इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कि रदरफोर्ड ने, अगर अपन बात करें रदरफोर्ड के मॉडल की, तो रदरफोर्ड का मॉडल एकदम कंपेयर किया जाए तो सोलर सिस्टम के मॉडल से रिलेट करता था, रिलेशन रखता था। अब अपन बात करते हैं एक क्लासिक मैकेनिक्स के, दैट मीन्स एक फिजिक्स के यहाँ पे बात की जाती है। उस फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पता चलता है कि कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल मोशन करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, दैट मीन्स एनर्जी लॉस करता है। ऑब्वियस ही बात है कि यार कोई भी चीज़ है वो मूव करेगी तो उसको एनर्जी चाहिएगी, और एनर्जी चाहिएगी दैट मीन्स अब वो मूव कर रही है, दैट मीन्स वो एनर्जी को लॉस करेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्लासिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड ने उसी का यूज़ किया। अब उसका यूज़ करके रदरफोर्ड क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिक मैकेनिक्स अ चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन एमिट एनर्जी रेडिएशन, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल जब मोशन करेगा तो वो एनर्जी रेडिएशन को एमिट करेगा। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मोशन कौन सी, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज्ड पार्टिकल और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड ग्रेजुअली लॉस एनर्जी। तो इस मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रोटेट करता है तो वो एनर्जी को लगातार लॉस करता रहता है। अब वो एनर्जी को लॉस करेगा तो क्या होगा कि उसका जो पाथ था वो क्या होगा, निरंतर छोटा होता चला जाएगा और लास्ट के अंदर एंड में जाके क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ये कौन बताता है, रदरफोर्ड बताता है। इट्स सर्कुलर पाथ वुड बिकम स्मॉलर एंड द इलेक्ट्रॉन शैल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा वैसे वैसे उसका जो पाथ है वो छोटा होता चला जाएगा, स्मॉलर एंड द इलेक्ट्रॉन शैल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एंड लास्ट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। थस द रदरफोर्ड मॉडल वॉज रिजेक्टेड, और इसी गलतियों के कारण दैट मीन्स रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। समझ में आया, बिकॉज ये जो चीज़ें थी, एक तो ये कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं ये चीज़ सही नहीं थी, दूसरी चीज़ ये कि अगर वो उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा और वो न्यूक्लियस के अंदर दैट मीन्स गिर जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपके इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस में ख़त्म हो गए, एटम की स्ट्रक्चर खत्म हो गई, दैट मीन्स एटम खत्म हो गया। तो ये जो चीज़ें थी ये सारी की सारी गलत प्रूफ हो रही थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल को भी बाद में क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इसके बाद में आपका जो नील्स बोर और सोमरफील्ड के मॉडल आते हैं उनको एक्सेप्ट किया गया था बिकॉज उनकी जो बातें थी वो ज़्यादातर दैट मीन्स सही थी, कुछ बातें उनकी गलत थी। अब जैसा अपन बात करें, कंपैरिजन करें थॉमसन के और रदरफोर्ड की, तो थॉमसन ने तो अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कंपैरिजन में अगर बात करें तो वो चीज़ें सारी गलत थी, बट यहाँ पे रदरफोर्ड कुछ हद तक पहुँचा था। अब नील्स बोर जो आया था उसने और सारी चीज़ें आपके बताई थी। तो वो जो दो मॉडल हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। थैंक यू।